अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राजीव बाबू का फोन कहीं नहीं लग रहा है, उसे देखते हैं। समझ रहे हैं, समझते हैं, कहा है ना, देखना सीख रहा है, नया नया दृष्टि जो मिला है। और बबुआ सीखो, पर जरा संभल के, ये बदलते हुए माहौल को परख के मुझे। राजन नरमा की बेल नहीं होनी चाहिए, बहुत भारी पड़ेगा। कहो तारावती का केस वापस भी ले लोगे तब भी वो छोड़ेगा नहीं जानवी को, जान से मार देगा उसे। राजीव, राजीव गाड़ी लेके आओ। राजीव बाबू कहाँ? राजीव बाबू कहाँ हुआ आपको? मैं पानी लाइए। राजीव बाबू कुछ तो बोलिए। राजीव, क्या हो गया? राजीव बाबू को, राजीव आप बोलिए, डॉक्टर को बुलाइए। कोई तो ये डर भी नहीं रही है। राजीव बाबू, हे माता रानी, हमारे राजीव बाबू की रक्षा करना। थोड़ी लापरवाही तो हुई है इनसे, आंखों में नई पुतलियां लगी हैं, आराम करना चाहिए। ये आई ड्रॉप्स एक बार अभी और एक बार सोने से पहले। जी डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? कोनो खतरा वाला बात तो नहीं है? बहुत एहतियात की जरूरत है, अभी जख्म हरा है, पूरा ठीक होने में वक्त लगेगा। आप इनकी पत्नी हैं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, ये इसकी पत्नी नहीं है। सॉरी का कोनो जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। लोग अक्सर हमको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ हो ना हो, यही बीबी होगी इस इंसान की। आप सभी लोग राजीव जी का ध्यान रखिए, कोई इमरजेंसी हो तो कॉल कीजिएगा। जिसको जो समझना है समझता रहे, हम तो तेरे हैं, तेरे होके रहेंगे।
चाहिए बाबू? आप ठीक तो है ना? आपकी ऐसी हालत देखकर हमारा दिल बैठ जाता है। हमको हुआ क्या? डॉक्टर साहब बोलकर गए हैं, लापरवाही हुई है आपके सेवा करने वालों से। आई डी ड्रॉप देकर गए हैं, दो बूंद डाल देते हैं आपकी आंखों में, बेहतर महसूस करेंगे आप। जानवी कहाँ है? भानु चाचा लेने गए थे ना उसको, आए कि नहीं? कोई खबर नहीं आई अभी तक वहां से। क्या छियासठ नंबर बताया था ना राजा ने? हाँ चाचू, पहला नंबर 66। हाँ खोलते। ये गाड़ी जानवी शायद इसमें होगी। हाँ मेरी जानवी उसी में होगी। जानवी, जानवी। ये क्या बकवास है? दादा। हेलो संजीव, जानवी। दादा राजन ने धोखा दिया, जानवी यहाँ नहीं है। क्या तो एक पुतला है, खलीज इंसान है ये राजन वर्मा। धोखा दे दिया राजन वर्मा। जानवी वहां नहीं है तो फिर कहाँ है? एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं। हेमा भवानी, रक्षा करना मेरे बच्चे की, जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी। ये अगर गोदाम में नहीं है बाबा तो जानवी है कहाँ? अब हम क्या जवाब दे आपको? वो क्या है ना, हम सब आपसे मिलना चाहते थे और लास्ट टाइम तो आप कह के भी गए। बहुत दुख हुआ यार। रवि ये सब क्या है? कौन है ये लोग? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जवाब दो रवि, जवाब दो। पूरे परिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे करेंगे? अपना मतलब पूरा करने के लिए सारे परिवार का दूध का खून कर दिया था। कोई माँ और नहीं बनने वाली है। झूठी की झूठी का ये सब करने के लिए अचानक आप कहते हो कि मेरी मुंह में तेज का बच्चा है? तो हो गया। मेरी ये शर्मनाक कर्तव्य का सबूत है मेरे पास। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। बधाई हो राजन बाबू, बधाई हो, आजादी की बधाई हो। तुमका भी ना, हमको तो तब देना जब हम और राजीव बाबू दो जिस्म एक जान हो जाए, विवाह के सूत्र में बंध जाए। बस अब वही तो करना है। तुम एक काम करो, तुरंत अपना गहना साड़ी का स्टॉपिंग शुरू कर दो। तुम्हारे नाम की सहनाई हम बजवाएंगे। आप और हम एक जैसे हैं, आपकी दुश्मन कुहू,
हमारी बैरी को हो। आपका लक्ष्य है चंदेल परिवार की बर्बादी, हमारा लक्ष्य है चंदेल परिवार का विनाश। हम आपकी मदद करेंगे चंदेल परिवार का नाश करने में, बदले में आप हमको हमारे बबुआ दिलवा दीजिए। बबुआ? वही तो है ना राजीव बाबू हमारे, वो क्या कहते हैं, दिलवाएंगे हमें। उधर दिल लगाए बैठी हो तुम, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हमारी भी एक कसम समझ लियो, उधर जब चंडेल परिवार का दीवाला निकलेगा उसके तुरंत बाद राजीव को तुम्हारे पल्लू में बांध देंगे। जान भी दी है ना आपको, अब कुछ हमारा मुनाफा भी हो जाए। जी हंसनी भाभी, मैं निकल गई हूँ, रवि आता ही होगा, आज तो सारी बात मैं उससे खुल के ही करूंगी। जानवी, कम फास्ट। अब आगे तारामती को कहां रखा है ये पता करो। हे माँ भवानी, मेरी जानवी की रक्षा करना माँ, न जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कुछ नहीं पता, बस आप उसकी रक्षा करना। गच्चा दे गया कि राजन वर्मा, गच्चा दे गया। अब हमारे कहर से बचेगा नहीं वो बाबा। अब वो समय भी निकल गया राजीव बाबू। हम कितना समझाए थे आप लोगों को, जो आदमी गलत है उसका साथ मत दीजिए, गुनेगार का साथ मत दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं सुने हमारा बात। अरे केस वापस भी ले लेंगे ना तो भी वो जानवी को नहीं छोड़ेगा, बोले तो थे हम। करती रहे बड़बड़, उतरती जा अपने बाबू के दिल से। नहीं माने ना? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे न्याय अन्याय के आदर्श के लिए हम हमारी जानवी की आहुति दे दें? अब की बार न्याय अन्याय का बात नहीं था, सामने सांप खड़ा था, एक वो जहरीला नाग जिसका स्वभाव ही है डसना, उसके साथ सौदा समझौता करके घातक ही होगा ना, और हुआ भी। तुम कौन होती हो बोलने वाली, तुमको क्या फर्क पड़ता है? नहीं बताओ ना हमको क्या फर्क पड़ता है, और किस हक से हमारे घर के मसलों में तुम दखल दे रही हो? गलत कह रहे, तुमने तो कह दिया था ना हमसे कि राजीव बाबू हम तो आपकी पत्नी है ही नहीं, हमारे और आप में तो कोई रिश्ता ही नहीं है, कहा था ना ये। तो फिर क्यों सुने तुम्हारी बात, बोलो ना। रिश्ता तोड़ दिया, तुम इसकी पत्नी नहीं हो, ये क्या बकवास है कहू, क्या है ये सब? बोलो बोलो, दो शब्द नसीहत के इनको भी बोल दो ना अपने मुंह से, जैसे बिना लाग लपेटे के हमको बोला था तुमने, बोलो। मेरी बेटी जानवी के साथ लापरवाही भी क्या इसीलिए की क्योंकि अब तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा क्या क्या इसीलिए, इसीलिए तुमने हमें यह बताना जरूरी भी नहीं समझा कि हमारी बेटी जानवी के जीवन में कोई लड़का भी है? जानती थी ना इस बारे में, और अगर तुमने हमें यह बता दिया होता तो आज मेरी बेटी जानवी उस दरिंदे राजन वर्मा के कब्जे में नहीं होती। अगर तुमने हमसे सारे संबंध तोड़ ही दिए थे तो जानवी की जिम्मेदारी ली ही क्यों तुमने? वो रिश्ता के बारे में हम इसलिए नहीं बताए कि जानवी वो रिश्ता खत्म कर चुकी थी, जानवी खुद हमको बताई, हम पे यकीन कीजिए चाचा जी, हम सच कह रहे हैं। और हाँ,
बात सच है कि राजीव बाबू से सारा संबंध तोड़ दिए है? लेकिन परिवार के साथ नहीं। और नतीजा, हमारी बेटी खतरे में है। राजन वर्मा हमारा दुश्मन बन गया, तारामती का मसला नासूर बन गया तुम्हारी वजह से। बड़ी बहू बनने का दावा कर रही थी ना तुम, घर की बेटी नहीं संभाली गई तुमसे। तारा घर को करता फिरता था, देख लो नतीजा। और तुम, अरे भाई उसने तो तुमको त्याग दिया है, तुमने भी इसको त्याग दिया है या अभी भी? हमने भी इसको त्याग दिया है बाबा, और अब ना इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। अरे भाई जब इसने पति को त्याग दिया है, परिवार की कोई कदर नहीं है इसकी नजर में, तो ये लड़की चंदेल भवन में क्या कर रही है? बाहर निकालो इसको यहां से। बाबा ये क्या कर रहे हो देव? क्यों? हो गया हुआ, चलो निकलो इस घर से बाहर। मैं नहीं, चाचा जी नहीं। हीरो काहे बन रहा है? सामने से हटो संजीव। हट जाएंगे बाबा, लेकिन पहले इस परिवार से कुछ बातें करनी, कुछ सवाल पूछना है। बड़े आश्चर्य की बात, अंशिनी अपने मन से हमसे रिश्ता तोड़ लेती, घर में पुलिस बुलाती, हम पर शोषण और अत्याचार का आरोप लगाती, फिर भी हंसिनी को इस घर में रुकने की इजाजत है। कुहू भाभी इस घर में क्या क्या नहीं करती? कुहू भाभी इस घर की फिक्र में आधी होती रहती, फिर भी भाभी इस घर के लायक नहीं। हमें तो लगता है कि आंखों से लाचार आप सभी हैं, जिन्हें कुहू भाभी का त्याग दिखाई नहीं देता। आप सभी को पता है कि कुहू भाभी की शादी किन परिस्थितियों में हुई है, क्या कुछ नहीं झेला है इन्होंने, क्या कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने सबको अपनाया, सभी को प्यार दिया। क्या वो आपके दया और क्षमा के काबिल नहीं, कहिए बाबा? और अगर नहीं है तो हमें लगता है ये घर कुहू भाभी के काबिल नहीं है। माना कि कुहू भाभी से गलती हुई, उन्होंने रवि के बारे में इस घर में किसी को कुछ नहीं बताया, उन्होंने इस घर की बेटी पर भरोसा किया, जानवी पर भरोसा किया, लेकिन गलती कोई और करे और सजा
हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ कुहू भाभी काटे। फिर चाहे जानवी ने पूरे घर को ही धोखा क्यों ना दिया हो, भाभी को झूठा वचन दिया हो, घर से चली गई बिना किसी को बताए, लेकिन गलती सिर्फ और सिर्फ कुहू भाभी की, जानवी की नहीं है। दादा, भाभी से आपको शिकायत है ना कि उन्होंने आपको त्याग दिया? कभी गौर किया क्यों? इस बॉर्डर के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। आजाद किया आपको, अब पूरा आसमान आपका है और पतंग का भविष्य डोर से नहीं, डोर से कटकर मंजिल तक जाने का है। बहुत हो गई बातें, चलो यहाँ से। चलो, रुक जाइए चाचा जी। ये यही रहेगी इसी घर में, और तुम हमारी एक बात कान खोलकर सुनो, तुम किसी की कुछ नहीं लगती हो इस घर में। इस घर के मसले तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा उनसे कोई सरोकार नहीं है, और उसमें दखल देने की गुंजाइश भी नहीं, और अब हम भी तुम्हारी दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बेटियों की इज्जत आबरू के संबंध में हमें तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। राजीव बाबू, हमको पता है कि आप हम पर भरोसा करेंगे, काहे कि हम कभी भी अपने परिवार का बुरा नहीं सोच सकते।